न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। जिले में आचार संहिता लागू है। इस दौरान जिले में जहां एक तरफ लूट, चोरी और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं पुलिस का बर्बर चेहरा भी सामने आया है। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीछे हॉकर्स कॉर्नर का बताया जाता है, जहां बीती रात पुलिस कर्मियों ने फुटपाथियों के ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई। बताया जाता है कि हॉकर्स कॉर्नर में एक दर्जन से अधिक ठेले वाले पिज्जा बर्गर की दुकान संचालित करते हैं और अपना परिवार चला रहे हैं, जिनके ऊपर पुलिस का कहर टूटा है। बताया जाता है कि रात करीब 10 बजे एक दर्जन से अधिक संख्या में पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने बिना किसी कारण के ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। उक्त मामले की निंदा करते हुए झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह करचुली ने कहा कि पुलिस के इस बर्बर चेहरे से पार्टी का गलत मैसेज जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं पीड़ितों ने भी बताया कि पिछले 6 माह से उनके द्वारा यहां पर व्यवसाय किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा ही उन्हें हॉकर कॉर्नर में स्थान दिया गया था और अब पुलिस के द्वारा ही उनके हाथ पैर भी तोड़े जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ितों ने क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। ये कौन मारपीट किया है, क्या कारण था, बताइए पूरी घटना। पुलिस वाले जो लास्ट में आए हैं, हम लोग तो जल्दी 10:30 में बंद किया था, बंद ही हो गया था दुकान। ताला वाला लगा रहे थे तो कुछ नहीं बोले, बंद करने के लिए भी नहीं बोले, सीधे आके लाठी मारने लगे। कितने लोग पुलिस वाले थे? 14-15 थे। कितने लोगों को मारा? सबको मारा है, लेकिन चोट ज्यादा नहीं आया मेरे को, तो पूरा हाथ नहीं चल रहा है आज। पूछा नहीं आप लोगों ने कि क्या गुनाह है मेरा, क्यों मारा? नहीं, नहीं। बताया, गाली गलौज करने लगे हैं। अच्छा, गाली वाली भी दे रहे थे तो सीधे मार रहे थे। किस चीज की दुकान लगाते हो आप? ये बर्गर किंग वाले। इसी से परिवार चलता है? हाँ, इसी से परिवार चलता है। आज हाथ ऐसे हो गए, हम काम कैसे करेंगे? हाँ बताइए, क्या घटना घटी है? घटना ये भैया कि हम वहाँ पे बैठे थे, फिर मेरे को सब दोबारा आके पुलिस वाले मेरे को एक भैया के बुलाए कि इधर आ, बुला के 5-7 पाका जड़ दिए। क्या काम करते हो आप यहाँ? मेरी दुकान है प्रेस की सर। इसी से आपका परिवार चलता है? जी जी। कोई नोटिस वोटिस जारी किया था क्या, कुछ पुलिस हटाने के लिए या कोई ऐसा? बस सीधे आया, हमला कर दिया। ऐसा बोले होते तो हम लोग दुकान बंद कर लेते ना। ये कौन मारपीट किया, क्या कारण था? पुलिस वाले। क्या कारण था? कारण कुछ पता ही नहीं चला, आए हैं गाड़ी से उतरे हैं, सीधा मारना चालू कर दिया। पूरा दोनों हाथ से जोर लगा के मार रहे थे, पता नहीं कहाँ लग गया किसी, कोई मर जाता तो। और कुछ पूछा नहीं आप उन्होंने, क्या गलती? कोई कारण नहीं बताया उन्होंने, सीधा गाली किया और मारपीट करके चले गए। कब से यहाँ दुकान लगा रहे हो आप लोग? यहाँ पे अभी 5 महीने हुए हैं, यहाँ पे दिया गया है। पहले हम लोग वहाँ पीछे लगाते थे, वहाँ से भगाए हैं तो हम लोग इधर आ गए हैं। और फिर अभी यहाँ भी ना कोई सुरक्षा है, यहाँ भी मारपीट आए दिन होता रहता है, लड़के भी यहाँ फालतू खड़े होते हैं। उसके अलावा यहाँ पुलिस भी आ रही है, मार रही है बेवजह, ना कोई बात है, और आए भी अचानक से और मार के चले गए। और ऐसा भी मारे हैं कि भाई हाथ फ्रैक्चर कर दिए, किसी से चलते नहीं बन रहा। 12 साल का बच्चा है, उसको भी 2 हाथी लाठी मार रहे थे। रेस्टोरेंट खुला रहता है तो उन लोग को क्यों नहीं? रेस्टोरेंट 11:30-12 बजे तक और दारू की हली 12 बजे तक खुली रहती है, उनको कोई रोक नहीं है। हम लोग 10 बजे यहाँ 10:30 बजे बंद करके घर जा रहे थे, तो इतनी पुलिस मारी है कि मतलब चलने योग्य नहीं है आदमी। मामा मोहम्मद भाई, यहाँ पे दुकान लगाता हूँ मेरे, कल मैं तो मेरे को मारे हैं, एक डंडा ही मारे मुझे, ज़्यादा मुझे चोट नहीं आई है, क्योंकि हमारा ये कि इसी से हमारा परिवार चलता है। और 10:30 बजे लगभग हमने दुकान बढ़ा ही दिए थे। देखिए गलती क्या थी, क्यों अचानक पुलिस कुछ भी नहीं, गाड़ी से ऐसे आए हैं अचानक, वो गाली वाली से बोले सबको मारे चो मारो, मारे सब गाली दिए हैं और मार के तुरंत चले भी गए हैं। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो 2 आदमी ज्यादा लग गए चोट उनको, हम लोग को कम ही लगा है। लोगों को भी मारे हैं, इनके पापा भी खड़े थे, ऐसे आए थे गाँव से, उनको भी आके उनको भी मार दिया। कब से आए आप लोग दुकान चला कर रहे हैं? 5 महीने लगभग हो गया है, हम लोग पहले वहाँ लगाते थे सिल्फी प्लाजा पीछे साइड में, अभी वहाँ से हम लोग यहाँ भगाया गया, बोले कि यहाँ लगाओ चौपाटी है, हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी हमको यहाँ भी सुरक्षित नहीं है।